नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कहानी सुनाएंगे। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध कर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरी की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा, तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। हे अनंत भगवान, जैसी युधिष्ठिर पे अपनी कृपा बनाई वैसी सब पे बनाए रखना, सबका कल्याण करना। कहानी सुनने वाले और हुकार भरने वालों का सदा भला हो। बोलो भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की जय हो। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें।